हेलो स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो वी विल सी फॉर्म वैलिडेशन अगेन हम एक दूसरे एग्जांपल से फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे तो इधर हम करेंगे क्या नेम एंटर करेंगे पासवर्ड एंटर करेंगे अगर नेम एम है ठीक है तो उधर एक अनचेक्ड डॉट जी आई एफ करके इमेज डाउनलोड करी है मैंने वो आप भी करके रख लीजिए अनचेक्ड डॉट जी आई एफ एंड चेक डॉट जी आई एफ जो भी आपको आ, अच्छा लगे इमेज वो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए मैं चाह हम चाहते हैं उधर कि जब हमारा नेम जो हम अगर एंटर कर रहे हैं उसमें एम वैल्यू यूजर ने एंटर करी है तो उधर आ जाए अनचेक्ड का जी आ जाए मतलब क्रॉस लगा हुआ उधर आ जाए ठीक है मतलब दैट इज नॉट करेक्ट और पासवर्ड अगर सिक्स कैरेक्टर से कम रख रहा है यूजर तभी भी उधर अनचेक्ड का आ जाए ठीक है मतलब क्रॉस का साइन आ जाए ठीक है और अगर सही है दोनों वैल्यू तो टिक का साइन आ जाए ऐसा हम चाह रहे हैं तो हम इधर क्या चेंज, करना है? Are, uh, image, तो चेंज कर रहे हैं डायनेमिकली वी आर वी आर एडिंग वन इमेज ठीक है तो डायनामिकली अगर आपको एस टी एम एल में चेंज कर रहे हो तो इनर एस टी एम एल प्रॉपर्टी का आपको यूज करना होगा तो ये मैंने आपको बताया है वही हम यूज करेंगे इधर और इन दोनों का वैलिडेशन तो हम देख चुके हैं पहले भी नेम और पासवर्ड का तो वही रहेगा सिर्फ आपको क्या करना है आपके अः uh, स्पैन हम एक क्रिएट करेंगे और उसका इनर एस टी एम एल के थ्रू प्रॉपर्टी चेंज करेंगे मतलब हम उधर डायनामिकली चेक एंड अनचेक्ड gif आई एफ मतलब डॉट जे आई एफ बोल रही हूँ मैं उसको मतलब वो एक इमेज है ठीक है उस फंक्शन उसको हम उधर दिखाएंगे ठीक है तो आप ये आउटपुट इसका देख सकते हैं ठीक है एंटर नेम अगर मैं एंटर कर रही हूं इट इज करेक्ट ठीक है तो यू कैन सी इधर आ रहा है चेक मतलब इधर टिक का साइन आ रहा है और इधर आ रहा है क्रॉस का साइन ये इमेजेस आप प्रॉपरली ले लीजिएगा प्रोपोर्शन में तो वो प्रॉपरली आपको दिखेगा ठीक है इधर मुझे के के साथ क्या रहा है है ठीक सो इधर मैंने इमेज क्रॉस की इमेज डाली है आप कोई और इमेज भी ले सकते हैं और डॉट जी आई एफ उसका एक्सटेंशन है इमेज का सो so इधर और कुछ नहीं है सिर्फ इमेज आप कैसे ऐड करोगे इनर एस टी एम एल के थ्रू वो एग्जाम्पल लिया है ठीक है सो फॉर्म हम बना लेंगे वैसे ही फॉर्म सब बनाया है ठीक है और इधर ये आप अगर देखेंगे पहले आप देखेंगे तो इसको ये प्रोपोर्शनेट है ना एक साथ आ रहा है एंटर नेम एंटर पासवर्ड तो आप ये देखोगे इधर मैंने बनाने के लिए इसको टेबल यूज किया ठीक है इसलिए इतना ये प्रोपोर्शन में आ रहा है सो so, टेबल के अंदर ही हमने एंटर नेम बनाया है ठीक है टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो आपको पहले एक रो क्रिएट करनी होती है देन टीडी यूज करते हैं हम फॉर दैट वैल्यू ओके सो एंटर नेम आपका इधर क्लोज हुआ फिर दूसरे टीडी में हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम नेम लिया मतलब दो कॉलम आपके क्रिएट हो जाएंगे ऑन द सेम रो एक ही रो में दो कॉलम क्रिएटेड हैं आप देख सकते हैं एंटर नेम इज इन द फर्स्ट कॉलम एंड बॉक्स इज इन द सेकेंड कॉलर तो ये थोड़ा प्रपोर्शनेट लग रहा है इससे आपका ये सही दिख रहा है ठीक है तो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म ठीक है तो आप ऐसे टेबल का भी यूज कर सकते हैं फिर उधर हमने एक स्पैन आई डी लिया है वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया आउटपुट एनआरएस टी एम एल के हम एक इमेज जनरेट करवा रहे हैं ठीक है थीके? इमेज मतलब डिस्प्ले करवा रहे हैं इमेज तो डाउनलोड करके रखी है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं उसका आई डी ले लिया है नेम एल ओ सी और दूसरा हमने लिया है दूसरा रो क्रिएट किया है उसके अंदर टेबल एंटर पासवर्ड और दूसरा इनपुट बॉक्स क्रिएट किया है उसका नेम है पासवर्ड ठीक है और उधर भी एक स्पेन आईडी लिया है पासवर्ड एल इस स्पैन के थ्रू हम आ, इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं ठीक है और थर्ड रो में आ, थर्ड कॉलम में हमने क्या लिया है इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू रजिस्टर तो आप इधर देख सकते हो नई चीज है कॉल स्पेन टू दिस इज नॉट द न्यू थिंग फॉर यू ये मैंने आपको बता दिया कॉल स्पेन टू क्या करता है ये दोनों कॉलम को लेके और उधर आपका सबमिट का वैल्यू लेगा मतलब ये आपका जो सबमिट बटन है वो दो कॉलम की वैल्यू लेके उधर दिखा रहा है ठीक है सो ये हो गया आपका फॉर्म क्रिएशन ठीक है सो टेबल के थ्रू किया है आप देख सकते हैं इधर और वैलिडेट हमारा फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन अभी हम देखेंगे कि वो हम कैसे लिखेंगे ठीक है ठीके? सो ये तो आपको समझ आ गया कि इधर हम एनआरएस का यूज करने वाले हैं सो वैलिडेट फंक्शन है ठीक है हम नेम पासवर्ड का वैल्यू हमने ले लिया है डॉक्यूमेंट डॉट एफ वन डॉट नेम डॉट वैल्यू है मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार तो इसको समझने का ट्राई कीजिए आपको समझ आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट एफ वन डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू ठीक है नेम और पासवर्ड में मैंने दो वैल्यू ले ली ठीक है अभी स्टेटस करके मैंने एक फ्लैग वेरिएबल लिया है ठीक है स्टेटस नाम है मेरे वेरिएबल का और उसका मैंने स्टेटस फॉल्स रखा है ठीक है स्टेटस नाम ले लिया मैंने वेरिएबल का उसकी वैल्यू है फॉल्स तो इसको सेट करके रखा है ठीक है इसको मैं ट्रू सेट करूंगी अदरवाइज इसको फॉल्स ही रहने दूंगी तो ऐसे वेरिएबल हम तभी क्रिएट करते हैं जब हमें उधर कोई अंदर जाके मतलब इफ़ कंडीशन के साथ हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी है ठीक है तो हम एक ऐसा फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं हम इनको नॉर्मली ऐसा ले लेते हैं उसका नाम कुछ भी हो सकता है और उसको एक इनिशियल वैल्यू कुछ असाइन करके रखी जाती है तो इधर इनिशियल वैल्यू मैंने क्या असाइन किया फॉल्स ठीक है तो अभी हम क्या लगाएंगे नेम डॉट लेंथ इफ इट इज लेस देन वन मतलब उसमें कुछ भी नहीं है ठीक है तो हम क्या दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई नेम एलओ हमारा स्पेन जो हमने क्रिएट किया था वही है ठीक है उसको हम कॉल कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू और उसके इनर एस में क्या चेंजेस कर रहे हैं मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इसका नेम में कोई भी वैल्यू यूजर ने नहीं डाली है एम है जैसे आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में याद हो गया हमने नल से चेक करवाया था एंड एम टी स्ट्रिंग से चेक करवाया था आप इसको इस तरीके से भी चेक करवा सकते हो नेम डॉट लेंथ शुड बी लेस देन वन अगर ऐसा है तभी भी वो ब्लैंक है तो हम क्या करा रहे हैं आप देख सकते हो इमेज सोर्स एसआरसी इसका एट्रीब्यूट है इमेज टैग का आई एमजी टेक का एसआरसीब्यूट उसमें हमने क्या किया है अनचेक्ड जी आई एफ मैंने डाउनलोड करके रखी है उसको इधर सोर्स में दिया है तो इससे क्या हो जाएगा जो अनचेक्ड जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी ठीक है और हमें ये मैसेज भी होगा प्लीज एंटर यू नेम ठीक है अलोंग विद दिस इमेज दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑल्सो प्लीज एंटर यू नेम ठीक है फिर इधर स्टेटस हमने जो हमारा फ्लैग वेरिएबल था उसके स्टेटस फॉल्स ही रहने दिया है क्योंकि ये तो फॉल्स ही है इधर हमें कुछ भी ट्रू नहीं करना है ठीक है जैसा स्टेटस था उसका वैसा ही रहने दिया एल्स अगर आपने नेम में कुछ वैल्यू एंटर की है तो क्या चेक तो का साइन आएगा ठीक है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई नेम एल और इनर एस टी इमेज का सोर्स क्या ले लेंगे हम चेक डॉट जी तो ये दोनों इमेजेस आपको डाउनलोड करके रख लीजिए इंटरनेट से ठीक है उनका नाम होना चाहिए अनचेक्ट एक का नाम होना चाहिए क्रॉस वाले चेक और अगर आप नेम कुछ और ले रहे हो तो इधर वो नेम चेंज कर दीजिएगा ठीक है अगर आप जे नहीं ले रहे हो कोई और इमेज का फॉर्मेट ले रहे हो जेपीजी तो वो इधर आपको चेंज करना है बस इतना ही चेंजेस आएगा उधर सो so, इमेज सोर्स चैट डॉट जी ठीक है थीके? और स्टेटस अभी हम क्या कर रहे हैं उसका स्टेटस ट्रू कर रहे हैं तो फॉल्स से चेंज करके हमने स्टेटस क्या कर दिया ट्रू कर दिया जब ही हमने नेम में कुछ वैल्यू डाली है तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी ठीक है ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाद में हम ये स्टेटस चेक करवाएंगे ठीक है तो एक ये हो जाएगा दूसरा चेक क्या है अगर पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन सिक्स है तो हमें अनचेक्ड करवाना है और पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट सिक्स कैरेक्टर लॉन्ग ये मैसेज देना है यूजर को ठीक है अदरवाइज क्या करेंगे हम चेट मतलब क्लिक टिक वाला मैसेज इमेज उधर डिस्प्ले करवाएंगे और बस सही है फिर हमें कोई मैसेज नहीं देना, ही देना है यूजर को ठीक है और स्टेटस हमारा इधर ट्रू ही है ठीक है so, सो आप देख सकते हो इधर हमने फिर क्या किया रिटर्न किया है स्टेटस ठीक है तो एक्चुअली अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे सिर्फ ये वैलिडेशन ही लगा रहे हैं अगर इसके बाद होगा इसके बाद भी कुछ होता तो हम इन सबको सबमिट करवाते कहीं है ना तो मतलब सबमिट पे इनका वैलिडेशन होता वैलिडेशन तो हम इधर ही कर रहे हैं इनकी वैल्यू भी कहीं जाती तो उस सब के लिए हमें ये स्टेटस वेरिएबल लगेगा ठीक है सो इधर हम रिटर्न स्टेटस कर रहे हैं और हमारा स्क्रिप्ट इधर एंड हो रहा है सो आप देख सकते हो इधर आ, आपने क्या क्या, -क्या लिया है नेम डॉट लेंथ की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन वन एक्चुअली एंड द पासवर्ड डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर अगर ऐसा नहीं है तो आप अनच का इमेज उधर डिस्प्ले करवा रहे हो मैं आपका आउटपुट पहले ही बता चुकी हूं हम एक बार और देख लेते हैं ठीक है अगर मैं इधर प्रोपरली नेम एंटर कर रही हूं एंड आई एम नॉट एंटरिंग द पासवर्ड सो यू कैन सी नेम में चेक आ रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेज मतलब इधर करेक्ट वैल्यू एंटर करी है और इधर पासवर्ड में मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया है तो मुझे आ रहा है पासवर्ड मस्ट भी एटलीस्ट सिक्स करेक्टर लॉन्ग ठीक है अभी पासवर्ड का लेंथ कितना है जीरो ले रहा है ठीक है तो अगर मैं इधर ब्लैंक छोड़ रही हूँ और इधर मैं ले रही हूँ पासवर्ड की वैल्यू सो यू कैन सी ओके इधर क्रॉस uh, आ रहा है और प्लीज एंटर नहीं मारा है ठीक है सो ऐसे इमेजेस भी आप एनर प्रॉपर्टी के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं और ये वैलिडेशंस लगा सकते हैं